वही मंजिल पुरानी है, वही चेहरा पुराना है। तरीके रोज लिखता हूँ मगर इनकार आना है। तुम्हें पाने की चाहत में ही मैंने सब कुछ गवाया है। मैं बाजी जीत जाता हूँ, तुम्हें मैं हार जाता हूँ। तो इस तरह वाह करिए। क्या है कि मेरी पहली मुक्तक से आप मुझे उस आनंद में ले आए हैं जिस आनंद में मैं आपको लेके आना चाहता था। मैं एक चार लाइन की बात कहता हूँ। अकेलेपन में सफर का मजा लीजिए, इश्क में इंतहा का मजा लीजिए। और ये शायरों की जमात बैठी हुई है, बहुत सारे लोग पीछे, बहुत सारे लोग आगे। कुछ लोग सुनना चाहते हैं, उनकी बात कहता हूँ कि शायर क्या काम करता है, उस बात पर वाह कीजिएगा और वहाँ पहुँच पाइएगा जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। और मैं भी आपको उसी मंजिल पर पहुँचाना चाहता हूँ जहाँ आपकी मंजिल आपका इंतज़ार कर रही है। समझिएगा इस चीज़ को। अकेलेपन में सफर का मजा लीजिए, इश्क में इंतहा का मजा लीजिए। शायरों की कहानी अजब सी लगी, दिल लगी में दिलों का मजा लीजिए, दिल लगी में दिलों का मजा लीजिए। व्यथाओं की कहानी को हकीकत में मैं लिखता हूँ। क्या होता है जब इंसान बहुत परेशान हो जाता है और बहुत अकेले है, बहुत अकेले है, किसी से बात नहीं कर पा रहा है, और कुछ उलझने आपकी ज़िंदगी में भी हुई होंगी जिससे जिसका आप कभी साझा नहीं कर पाते हैं, बहुत मुश्किल में फंस जाते हैं। और छत पर एक दिन अकेले खड़े होकर रात को 12 बजे उस चांद में देखते हैं कि ताकि वो चांद से कुछ ऐसा मिल जाए, ऐसा मिल सके जो हमारी समस्याओं में थोड़ा सा विराम चिन्ह लगाने का प्रयास कर सके। वहाँ की बात कहता हूँ, अगर आप समझ पाइएगा तो आपकी ताली से ये कोलाहल हो सके। तो मैं वहाँ की बात करता हूँ। व्यथाओं की कहानी को हकीकत में मैं लिखता हूँ, मैं हर महफिल में जीता हूँ, अकेले हार जाता हूँ। मेरे सपनों के टूटे कांच की आवाज़ आई है कि सपना टूट जाता है और साथ ही छूट जाता है। आखिरी मुक्तक सुनाऊंगा, समय की सीमाएं बड़ी कम है। मैं वहां की बात करता हूँ, उसकी बात करता हूँ जिससे कभी आप लोग कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पाए। आप सब लोगों की तरफ से मैं कहने की कोशिश करूंगा। कभी ऐसे न मिल जाना कि तुम मेरी मोहब्बत हो, गुजरना मत यूं मस्जिद से कि तुम मेरी इबादत हो। मेरे हर सांस की धड़कन में तुम्हारी एक रेखा है। कभी मैं इस पार होता हूँ, कभी उस पार होता हूँ।